नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज 19 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत सीरसपेट अशोक चौक पेट्रोल पंप के पीछे रमेश देशमुख इन्होंने अवैध तरीके से महुआ शराब की बिक्री बेखौफ चला रहे हैं। जहां एक तरफ नागपुर के सीपी अमितेश कुमार इन्होंने शहर के सभी गश्त दौरान हो रही गतिविधियां ध्यान में रखते हुए और अवैध धंधों पर लगाम लगाने के लिए आदेश दिए हैं, लेकिन अवैध धंधे पर पुलिस किसी भी प्रकार की कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आई। इससे पता चलता है कि शराब बेचने वाले रमेश देशमुख इनके हौसले कितने बुलंद हैं। सीरसपेट के बस्ती में आने जाने वाले राहगीरों को इन रास्तों से गुजरते हुए शराबियों की टोकने और गालियों और लेडीजों को परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए हमारे स्टार इंडिया न्यूज 19 से बात करने के लिए पीड़िता का क्या कहना है, देखिए यह खास रिपोर्ट। पेट्रोल पंप के बाजू में दारू की दुकान है, वहाँ पे हम लोगों का आना जाना चालू रहता है, तो इसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि वो लोग दारू पीने आते तो आते हैं, हमको गाली गलौज करते हैं और बहुत ताना भी मारते हैं, तो ये तो इसकी वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम है, ये दुकान बंद होनी चाहिए। ऐसे ही ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज 19 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।